मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की हार ने पार्टी नेतृत्व को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सांसद से लेकर वरिष्ठ नेता तक हार को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। यहां तक कि सहयोगी दल भी तंज कसने में पीछे नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा और शिवसेना तो अक्सर पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते ही है। वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने इशारों में इसी आरोप के साथ पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार ने बीजेपी को ऐसा सकम दिया जिसे कुरेद कर विपक्षी लोग बीजेपी को दर्द दे ही रहे हैं, लेकिन अपने भी मरहम लगाने के बजाय नेतृत्व पर सवाल उठाकर उस पर नमक छिड़क रहे हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अब उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता ने भी हार को लेकर न सिर्फ नेतृत्व पर हमला बोला बल्कि विपक्ष के आरोपों में हां में हां मिलाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने कहा कि जिसका अंदेशा था आखिर में वही हुआ। कुछ लोग पार्टी में तानाशाह हो गए थे, प्रभु ने सद्बुद्धि दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर राज्यों में मिली जीत से बीजेपी का अहंकार इस कदर बढ़ गया कि वो हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन अगर पार्टी ने पांच राज्यों में मिली हार से सबक नहीं सीखा तो 2019 में बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता ने खुद की पार्टी को चिताया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी हार पर तंज कसते हुए पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को SC/ST कानून और लंबे समय तक सरकार में रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जनता से बड़े बड़े वादे तो किए लेकिन 15 साल में उसे पूरा नहीं किया। इसी नाराजगी का खजाना उन्हें हार के रूप में चुकाना पड़ा। इतना ही नहीं, हार पर तंज कसने के साथ ही राजभर ने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सीटों का सही समझौता नहीं हुआ तो हम पार्टी का साथ छोड़ देंगे। इस चेतावनी के बाद अब बीजेपी की परेशानी और बढ़ गई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।